हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स। इमेजिन, इन्वेंट, इंस्पायर, लेट्स स्टार्ट इट। होप सो आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे और इसी वजह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मिनिमम सेफ्टी स्पीड, फ्रिक्शन फोर्स, अपवर्ड क्यों लगता है, डाउनवर्ड क्यों लगता है, सारी डाउट्स हमने वहाँ पे क्लियर किया था। आज हम पढ़ने वाले कोनिकल पेंडुलम में, तो इसके नाम में ही इसका जो डेफिनेशन इसकी छुपी हुई है, ठीक है। टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, लेट अस एग्जामाइन द सिंपल पेंडुलम। ये मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। इस सिंपल पेंडुलम को हमने रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, जो मतलब टाइट है, जिसमें थोड़ा भी ढीलापन नहीं है। और उसको हमने एक छोटा सा मास लगा दिया, यूनिट मास, और इसको हम अगर घुमा देंगे तो घुमाने के बाद ये कैसे घूमेगा, इस तरह से घुमाएगा, राइट। तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इट इज फॉर्मिंग अ कोन। एक क्या फॉर्म कर रहा है, कोन फॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से हम बोलते हैं इसे कोनिकल पेंडुलम। इसे क्या बोलते हैं हम, कोनिकल पेंडुलम। इट इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच द मोशन ऑफ द बॉब डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, कि इट इज अ सिंपल पेंडुलम, इट इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इन विच क्या हो रहा है, इसमें इन विच क्या हो रहा है, पेंडुलम डिस्क्राइब्स अ और बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, अ बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है यहां पे, वो स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब्स, उसे बोल सकते हैं हम स्क्रिंग, स्ट्रिंग जो डिस्क्राइब्स अ कोन, क्या यहां पे कोन डिस्क्राइब करने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोन फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसे हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। इसे क्या बोलेंगे हम, कोनिकल पेंडुलम। ये हमारा रिजिड सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिजिड सपोर्ट हुआ, ठीक है। हमको उसे डेरिवेशन में यूज करना है, इसी वजह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो हो गई वो हाइट ऑफ स्ट्रिंग हो गई, जो हाइट है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ स्ट्रिंग, हाइट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। याद रखे इस नेम को, ये हाइट ऑफ स्ट्रिंग हो गई हमारी। ये क्या हो गई, स्लैंट हाइट, इसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, और लेंथ भी बोल सकते हैं इसे, टेढ़ा इसलिए स्लैंट बोलेंगे, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो हो गया उसका रेडियस हो गया, ये जो एंगल बना रहा है उसे हम बोलेंगे थीटा एंगल बना रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, वर्टिकल के साथ बना रहा है इसलिए उसे सेमी वर्टिकल एंगल। तो हम इसको वर्डिंग में यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय यस, मैंने इसको नाम दे दिया यस, नाम दे दिया। तो यहाँ पे यस क्या है हमारे पास, यस क्या है हमारे पास, आप बोल सकते दिस इज यस। यस यानी क्या होगा हमारा, रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, टी, टी क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। मैं धीरे धीरे ले रहा हूं यहां पे, बस आपको समझना है। थीटा क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है, एंगल ऑफ कोन, अरे फिर सेमी वर्टिकल एंगल भी हो सकते, इसे आधा ही एंगल है इसलिए सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे लिख सकते वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब, वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब, बॉब की वेलोसिटी है, ठीक है। एम इज द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, जिसको हमने यूनिट मास लिया है मेजर करते वक्त, ठीक है। और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस बचा है हमारे पास, तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल की रेडियस बन गई यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब आगे जाते, जब हम वर्डिंग में यूज करते हैं तो जब हम एक्सप्रेशन में उसको यूज करेंगे तब हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। ये जो कोनिकल पेंडुलम है यहाँ पे, तो इसको हम वर्डिंग में कैसे लिख, जैसे हमने बैंकिंग ऑफ रोड में किया था, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास एम रिवॉल्विंग, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास एम, कंसिडर अ बॉब
of mass m with velocity, मैं थोड़ा छोटा करूंगा इसको, with velocity v and describes क्या a circle, horizontal circle, ठीक है। तो यहां पे जो लग रहा है वो क्या लगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा टेंशन है और तीसरा mg है। तो हम mg लेते हैं, mg कैसे हमेशा डाउनवर्ड लगता है, हमने देखा ये, ठीक है, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लगने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन ये जो लगता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसका यूज हम जब फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे तब यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये तो आप सबको पता ही है, याद भी हो गया होगा, इतनी बार आ चुका है ये सेंट्रीपेटल फोर्स, बहुत बार आ चुका है अभी तक, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, दीज आर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब। अभी तक तो इतने सारे फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे कि और फोर्स कुछ लगे। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट पे हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो याद करेगा ये डायग्राम हमको, मैं थोड़ा क्योंकि मुझे पेज टर्न करना होगा, मैं यहीं पे नहीं लिख सकता हूं, तो ये मुझे टर्न करने के बाद हम देखेंगे कि ये भी बताऊंगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस है दोनों में। पहले हम डेरिवेशन निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम निकालना है। तो हम लेंगे पहला रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट हो गया हमारा, जिसे हम नाम देंगे एस, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेट एक बॉब निकालेंगे, उसको हम कोन के फॉर्म में शेप दे देंगे, इसको ऐसे, ये कोन के फॉर्म में शेप हो गया, और ये हमारी हो गई स्लैंट हाइट बॉब के साथ, ये हो गया हमारे स्लैंट हाइट विद द बॉब, ये जो हमारा हाइट हो गया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एच, इसे हम बोलेंगे L, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारी रेडियस, क्योंकि हमें इसे यूज करना है। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, ये पॉइंट B लिखा था हमने, इस पॉइंट पे क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है यहाँ पे mg डाउनवर्ड, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है टेंशन, ठीक है। तो हम इसको रिजोल्व करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे क्या आती है, बी पॉइंट, बी पॉइंट पे यहाँ पे mg, हमने इसे बैंकिंग ऑफ रोड में भी देखा था किस तरह से रिजोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ सी पी, ठीक है। अगर ये अगर देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल एंगल लेता हूँ, ये झड़ बना रहा है तो अल्टरनेट एंगल थीटा बन जाएगा, सीधे सीधे तो थीटा बन गया, अलोंग थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। चलिए अब देखा आपने कि रिजोल्यूशन फोर्स भी हमने कर लिया, तो किसके कंपोनेंट आ गए यहाँ पे टेंशन के, दो कंपोनेंट, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल यहाँ पे टी साइन थीटा विच बैलेंसेस द सेंट्रीपेटल फोर्स, और दूसरा है हमारे पास वर्टिकल, वो क्या करेगा बैलेंस टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करने वाला है। तो अलोंग द वाई एक्सिस रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द क्या y एक्सिस के अलोंग देखेंगे, यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है यहाँ पे t cos थीटा इज इक्वल टू mg, अलोंग x एक्सिस क्या हमारे पास, हमने सेम इसी तरह से किया था लास्ट क्लास में भी, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास एफ सी पी प्लस टी साइन थीटा, उस साइड कोई फोर्स है क्या यहाँ इस साइड नहीं है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बट एफ सी पी इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास निगेटिव रहता है, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास जीरो, ये निगेटिव है इस साइड चला गया, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन, इस साइड पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम दो। अब क्या करेंगे टू को वन से डिवाइड कर देंगे, सेम वहां पे भी किया था हमने, तो डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास टू इक्वेशन t साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हमारे पास t कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पे पास हमारे पास क्या है mg, mm गेट क्या हो गया कैंसल, r नीचे चला गया, tt गेट क्या क्या हो गया कैंसल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास
v square divided by rg, तो ये भी हमने सॉल्व किया था. हॉरिजॉन्टल सर्कल जब परफॉर्म करता है व्हीकल, तो वहां पे भी हमारा यही आया था. कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये सेम सेम डेरिवेशन है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है. यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा rg लिख सकते हैं हम इसे, या फिर rg tan थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, कंफ्यूजन ना हो. v स्क्वायर तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट rg tan थीटा. आफ्टर लुकिंग एट द डायग्राम, मैं यहाँ पे ट्राइंगल निकालता हूँ, ये वाला, ये एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना रहे, ये एंगल थीटा, ये हमारे पास r, ठीक है, ये हमारे पास h, ये हमारे पास l, राइट, सब कुछ आ गया यहाँ पे. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एंगल के सामने वाला जो रहता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर. तो हमारे पास है आर, बेस क्या हमारे पास एच, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, आर बाय एच. बट वी नो दैट हमने पढ़ा था, हमने कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट यूज होने वाला है. वी नो दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा, राइट, पढ़ा था हमने वी इक्वल टू आर ओमेगा. तो वी की जगह हमने रखना है आर ओमेगा, चलो रख दिया हमने आर ओमेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट इज अंडर रूट RG to RG, tan theta की जगह हम क्या रखेंगे, R by H, right? तो RR क्या होगा यहाँ पे, R square बन गया, यहाँ पे G, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बन गया, R omega, एक R बाहर चला जाएगा, square root के बाहर R बन जाएगा, G by H बन जाएंगे यहाँ पे R omega, RR get cancel, यहाँ पे बन जाएगा omega is equal to under root G by H, और हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा. तो 2π/ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट जी बाय एच, तो इसे हम लिख सकते हैं 2π/h/g. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है. हमने टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे निकाल लिया, बहुत सिंपल वे से हमने यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल लिया. आपको ये डेरिवेशन कम से कम 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है. और टाइम पीरियड ऑफ हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसको हम थोड़ा आगे भी इलेबोरेट कर लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लिया. अब थोड़ी अगला जो हमारा लेक्चर आएगा यहाँ पे, क्योंकि लेंदी बन रहा है यहाँ पे. सो क्लास, अभी यहाँ पे हमने टाइम पीरियड निकाला है. टाइम एच तो हमें बार बार पता नहीं होगी, क्योंकि हमें एच नहीं पता, हमें क्या पता होगा, एल पता होगा. तो एल और एच में रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, बेस क्या है, देखिए यहाँ पे बेस, ठीक है, एच बन गया यहाँ पे, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, एल. तो एच इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, एच इक्वल टू एल कॉस थीटा. अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा हमारा, टाइम पीरियड विल बी, तो टी इज इक्वल टू 2π/√ एच की जगह एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. इस तरह से आपको टाइम पीरियड मिल गया. तो अगर आप बुक रेफर कर रहे हो, ठीक है, अभी जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है आपके लिए 12th क्लास की, न्यू रिसेंटली जो सिलेबस अपडेट हो चुका है, वहाँ पे डेरिवेशन आपको सिंपल वे में नहीं दिया गया, वहाँ पे थोड़ा मिक्सअप किया हुआ है कि डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्योंकि 11th क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा कम, वहाँ पे उसको क्या बोल सकते हैं, उसका इलेबरेशन कम है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, इसलिए मैं आपको थरोली बता रहा हूँ कि किस तरह से. तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड ही निकाला है, हमें आगे भी निकालना है, टेंशन स्ट्रिंग निकालना है, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है. हमने ये जो निकाला है वो टाइम पीरियड है, ठीक है, टेंशन के लिए भी टी है, टाइम पीरियड के लिए टी है. तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पे कि टाइम पीरियड और टेंशन में डिफरेंस आता है, टेंशन के लिए भी टी डोनेट कर, लेकिन जब भी 2π आता है यहाँ पे तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है. तो हमने इस तरह से टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल लिया. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स. स्टे होम, स्टे सेफ.